नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भारत साहित्य भारती त्रिवेणी संयुक्तांक 3-5 जून से अगस्त 2024 ई पत्रिका का विमोचन। भारत साहित्य मंडल लोहर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में प्रकाशित ई पत्रिका भारत साहित्य भारती त्रिवेणी संयुक्तांक 3-5 माह जून से अगस्त 2024 का शुभ विमोचन दिनांक 16 अगस्त 2024 को गूगल मीट ऑनलाइन पर वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय आनंद कुमार त्रिवेदी आनंद जी के कर कमलों से संपन्न हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता पटल के संस्थापक आदरणीय भरत नायक बाबू जी ने किया। कार्यक्रम का संचालन आदरणीय नेत्राम राठिया जी ने बहुत ही शानदार तरीके से किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में मां शारदे की वंदना डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र मधुव्रत ने समय वीणा तार झंकृत गीत से किया। अतः अनंतर प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर वासुदेव यादव जी ने पटल पर उपस्थित सभी सुधीर साहित्यकारों का स्वागत किया। तत्पश्चात वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय आनंद कुमार त्रिवेदी आनंद जी ने विधिवत एक एक प्रश्न उद्धरण देते हुए पत्रिका का शानदार विमोचन किया। इसके उपरांत डॉक्टर राजीव रंजन मिश्र जी ने मुख्य अतिथि के रूप में अपनी सुंदर अभिव्यक्ति दी। तत्पश्चात कार्यक्रम अध्यक्ष एवं पटल के संस्थापक आदरणीय भरत नायक बाबूजी ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में सभी को प्रेरणाप्रद संदेश दिया और पत्रिका में होने वाली अशुद्धियों के सुधार पर जोर दिया। इसमें सभी के सहयोग की महत्ता रेखांकित की। आदरणीय राजीव रंजन मिश्र जी से आग्रह किया कि पत्रिका ई पत्रिका न रहकर छपकर जन जन तक पहुँचे, ऐसी व्यवस्था की जाए। कतिपय रचनाकारों की रचनाओं की पांडुलिपियों को प्रकाशित कर पुस्तकाकार रूप में उपलब्ध हों और उनकी रॉयल्टी भी मिले, ऐसी व्यवस्था की बात की। आदरणीय राजीव रंजन ने भी भविष्य में ऐसा करने का संकेत दिया। अंततः डॉक्टर मधुव्रत ने पटल पर सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया तथा संचालक महोदय ने शानदार बघेली बाल कविता सुनाते कार्यक्रम का समापन किया। रिपोर्टर भारत साहित्य मंडल लोहर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ भारत। रिपोर्ट आरपीएस समाचार। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।